नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। मैं फरजीत और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे दो शख्सियत के बारे में जो बॉलीवुड या भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का दो चमकते हुए सितारे थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के जाने माने एक्टर ऋषि कपूर जी और इरफान खान जी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऋषि कपूर जी और इरफान खान जी को अगर आप दिल से चाहते हैं, दिल से मतलब श्रद्धा करते हैं और आप अगर दिल से उनका मतलब बहुत बड़ा फैन है तो फिर एक लाइक तो जरूर बनता है। तो फिर जल्दी से जल्दी एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो के अंत में हमको कमेंट करके बताएं। तो अभी शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज मैं दो ऐसी महान हस्तियों के बारे में बातें करने वाला हूँ, तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। पहले मैं बात करूंगा ऋषि कपूर जी के बारे में। तो ऋषि कपूर जी का जन्म हुआ 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चंबर शहर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषि कपूर के पिताजी उन समय के जाने माने एक्टर राज कपूर थे। और इससे सबको पता चलता है कि राज कपूर के बेटे थे ऋषि कुमार जी। तो अगर हम स्कूलिंग की तरफ देखेंगे तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैंपियन स्कूल मुंबई से की और आगे चलकर उन्होंने अजमेर के मयो कॉलेज से अपना पढ़ाई खत्म की। तो उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ था अपने बचपन से, यानी कि उनको बचपन में मेरा नाम जोकर नाम का एक फिल्म आया था जिसमें उनको बाल कलाकार के रूप में देखा गया था, बाल कलाकार के रूप में नजर आ रहे थे। और अगर हम बात करेंगे उनके लीडिंग रोल वाले मतलब फिल्म जो पहली फिल्म थी और वो थी बॉबी, और जो कि 1973 में रिलीज हुआ था। और मैं आपको बता देता हूँ कि 1974 में इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर जी को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला था। और इससे इससे जुड़ी दो मैं खास बातें बताना चाहूंगा। तो फिर पहली बात तो है कि जो ऋषि कपूर जी के लिए ये अवार्ड बहुत खास था क्योंकि उनका जो फिल्मी करियर था, उनका फिल्मी करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड था, वो भी बेस्ट एक्टर। और दूसरा था कि मैंने उनको एक इंटरव्यू में देखा था 2013 को। तो फिर उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 1973 यानी कि जब बॉबी जो फिल्म था वो रिलीज हुआ था उसी साल एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाने वाले वो अमिताभ बच्चन सर ने एक नेगेटिव रोल वाला फिल्म किया था जिनका नाम था जंजीर। और सबको लगा था, ऋषि कपूर जी को भी लगा था कि इस बार का बेस्ट एक्टर और हम कह सकते हैं इस साल का बेस्ट नेगेटिव एक्टर अमिताभ बच्चन सर के अलावा कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमिताभ बच्चन सर की जगह ऋषि कपूर जी को ये अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट एक्टर। सो ये थी दो मतलब ऐसी ऐसी बातें जो शायद ही आप नहीं जानते। और अगर हम एक अवार्ड की बात करें तो फिर उनको 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। और अगर उनके फिल्मों की बात करेंगे तो फिर एक वीडियो में उनके फिल्मों का मतलब नाम खत्म नहीं होने वाला क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हिट फिल्मों में काम किया है। लेकिन वो फिल्म जो हमेशा मतलब हम सब जनरेशन मतलब एक बार देखेंगे, तो फिर मैं कुछ वो फिल्में मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। तो फिर चांदनी, दीवाना, प्रेम रोग और हम कह सकते हैं वो अमर अकबर एंथनी, जो सदियों तक ये फिल्म चलता रहेगा। और ऋषि कपूर जी को सदियों का महानायक माना जाएगा। और अगर हम नजर डालेंगे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में तो फिर उन्होंने 1980 में नीतू सिंह से शादी की थी जिनसे उन्हें दो बच्चे हुए। एक बेटा था जिनका नाम रणबीर कपूर है जो एक बहुत बड़ा एक्टर है, और एक बेटी हुई वो है रिधिमा कपूर। और जैसे कि आप जानते हैं कि रणबीर कपूर आज अपने बॉलीवुड में कितना धमाल मचाया हुआ है और आज के तौर पर सफल अभिनेताओं में से वो एक है। और हम फिर आते हैं उनके करियर में। तो फिर
ज्यादा ज्यादा बातें नहीं कह सकते कि उन्होंने मतलब बहुत सारे मुकाम हासिल किए थे अपने मतलब बहुत। और मैं कल डीएनए में देखा था जो सुधीर चौधरी जी होस्ट करते हैं, तो फिर उनमें उस जो प्रोग्राम में जो था उन्होंने बताया था कि ऋषि कपूर जी 2 इनिंग्स खेले थे, यानी कि पहला इनिंग्स तो एज ए रोमांटिक एक्टर किए थे, और जो दूसरा दूसरा इनिंग्स जो था एज ए एंग्री यंग मैन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभा रहे थे किसी एक फिल्म में, तो फिर मैं उस फिल्म का नाम भूल गया। और एक मतलब खास बात यह है कि जो अंडरवर्ल्ड डॉन जो था वो मतलब जो कहते हैं वो भी किसी समय में ऋषि कपूर जी का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, और उनको भी पता, ऋषि कपूर जी को भी पता नहीं था कि वो एक बार वो अंडरवर्ल्ड डॉन से भी डॉन का भी किरदार निभाएंगे, और वो भी कोई बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आगे इस वीडियो के आगे मैं इरफान खान जी के बारे में भी बोलूंगा कुछ। और इस जो जो जिस फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार उन्होंने निभाया था उस फिल्म में ही इरफान खान ने भी उस फिल्म को मतलब काम किया था, तो फिर दोनों ही एक्टर दोनों ही अभिनेता अब हमारे बीच नहीं रहे। और यही कुछ करियर के बारे में था। और क्या कहते हैं कि अब आते हैं मतलब पर्सनल लाइफ तो मैंने बोल ही दिया। और मतलब वो जैसे कि आप जानते हैं कि वो पिछले 2 सालों से लेकीमिया नाम की एक बीमारी थी जिससे वो लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, और बुधवार को अचानक से तबीयत बिगड़ने पर उनको मुंबई के आनंद फानंद के HN हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, और उसी अस्पताल में उन्होंने हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांसें ली, और सिर्फ 67 साल की उम्र में ही अपने करोड़ों फैंस को और पूरे भारतीयों को मतलब अलविदा कह दिया। तो फिर मैं उनसे जुड़ी 3 खास बातें और बताना चाहूंगा। तो फिर वो पहला खास बात यह है कि वो ऋषि कपूर जी कम मेहनत करके भी वो इससे भी ज्यादा सफलता पा सकते थे अगर वो चाहते तो, लेकिन वो मेहनत से कभी भी नहीं डरते थे, जितना हो सके वो मेहनत करके, और आज जो इन्होंने मुकाम हासिल की है वो सब उनके मेहनत के दम पर ही उन्होंने हासिल की है। तो फिर और आप जानते हैं कि उनके जो पिताजी थे वो थे राज कपूर जी, जो कि एक बहुत जाने माने एक्टर थे, मैंने कुछ देर पहले बोला था। तो फिर वो चाहे तो कम मेहनत करके भी मतलब ये सब मतलब बहुत सारे मुकाम हासिल कर सकते थे। और दूसरा दूसरा जो खास बात है कि उस समय जब एंग्री यंग मैन का मतलब राज था, हम जानते हैं कि हमारे बॉलीवुड के शहनशाह के ऐसे के नाम से जाने वाले अमिताभ बच्चन सर और मिथुन चक्रवर्ती सर का मतलब बॉलीवुड में राज चल रहा था ऐसे एंग्री यंग मैन, और उस समय अपने रोमांटिक जगह बनाना कोई किसी के बस की बात नहीं था, और उसी इम्पॉसिबल काम को वो पॉसिबल किया, मतलब उसी असंभव काम को उन्होंने संभव किया, मतलब एक रोमांटिक जगह उन्होंने अपने खुद ही बना लिए थे। और तीसरी बात जो वो बहुत मतलब अच्छा लगता है हमको, और मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है तो फिर मैं उनको कहूंगा कि ये रूल जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यही रूल आपको अपने जो भी हो बहुत मोटिव करेंगे, क्योंकि यही जो खास बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मोटिवेशनल है। तो फिर अब वो तीसरी बात यह है कि वो ऋषि कपूर जी ने किसी का भी कभी भी नकल नहीं किया। अब सबका नकल करते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन ऋषि कपूर जी कभी भी नकल नहीं करते थे, तो फिर वही चीज हमको भी बहुत अच्छा लगता है। और जो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि सबको ये बात भी बहुत अच्छी लगी होगी। खैर जो भी हो, हम नहीं बल्कि पूरा फ्यूचर पूरा पूरा भारतीय पूरा विश्व उनको याद रखेगा एज एन एक्टर। और मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं इरफान खान के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा, तो फिर चलिए अब इरफान खान के जीवन के कुछ मतलब थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, आइए। तो फिर इरफान खान का जन्म हुआ था 7 जनवरी 1967 को
राजस्थान के टोंक शहर में। और मैं आपको बता देता हूँ कि इरफान खान का पूरा नाम शहाबजादे इरफान अली खान था। और हम मतलब फिल्मी दुनिया में सब उनको इरफान खान या फिर इरफान ऐसे ऐसे बुलाते हैं। और उनके पिताजी का नाम था जागीरदार खान, जो एक टायर का बिजनेस करते थे, और उनके माँ का नाम था बेगम खान। और इरफान खान को बचपन से बहुत टैलेंटेड थे, और हम कह सकते हैं कि उनको एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी थी। और जब वो 1984 पे क्या कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे थे, तभी मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उनको स्कॉलरशिप दी थी कि ताकि वो अपने एक्टिंग स्किल्स को और भी निखारे और भी इम्प्रूव कर सके। तो फिर आगे चलकर उन्होंने सपनों का शहर मुंबई आया ताकि वो अपने एक्टिंग स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर सके और भी मतलब बेहतरीन कर सके। तो फिर इसको ही मन में लेते हुए वो आया और बहुत सारे ऑडिशंस थे, लेकिन सब ऑडिशंस पे उनको निराशा ही मिला, कुछ और नहीं मिला। तो फिर मिलने पर मतलब वो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था कि वो बॉलीवुड में आना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे मतलब कर रहा था। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि वो मेहनत से कभी भी मुंह नहीं मोड़ते थे। वो जैसे जो भी हो वो मेहनत करके ही वो मतलब क्या कहते हैं मतलब वो काबिल मरेगा मतलब सबके लिए, मतलब बहुत ही बड़ा इंसान मरेगा। और आप जानते हैं कि जो मतलब इरफान खान जो है मतलब वो बहुत ही एक जाने माने एक्टर है, और वो सब उनके मेहनत के दम पर ही उन्होंने किया है। तो फिर खैर ये सब बातों को मैं बाद में कहूंगा, पहले आते हैं फिर उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में आते हैं। तो फिर वो जो होता है ना कि वो बहुत मेहनत किया, जीतोर मेहनत किया, और उस मेहनत के बदले उनको कुछ टीवी शोज में काम मिला, जैसे कि चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी आपकी बात, जैसे कई कई टीवी सीरीज शामिल है। और मैं आपको बता दूं कि स्टार प्लस का एक फेमस टीवी सीरीज दर में भी इरफान खान जी काम कर चुके हैं, जो के मेनन सर डायरेक्ट कर किए थे। और उनको मतलब इतने में खुश नहीं हुए, उनका मतलब सपना था कि वो बॉलीवुड में है, ना ही वो टीवी सीरीज में आए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। और जो भी हो उन्होंने थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन तो पहले से ही कर रखा था, और तब भी उन्होंने थिएटर ग्रुप्स में काम करता गया अपने गुजारे के लिए। और यही जो इंतजार किया उन्होंने, बड़ी लंबी समय से इंतजार किया, वो इंतजार खत्म हुआ 1988 को, जब उनको सलाम बॉम्बे नाम का एक फिल्म था, उनको एक छोटा सा रोल मिला। लेकिन इस बार इरफान के किस्मत ने उनके साथ साथ नहीं दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि जो सलाम बॉम्बे के जो फाइनल कट था, उस फाइनल कट में इरफान को रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर इरफान को तब पता चला कि उनको और भी मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर मैंने करते गए कुछ सालों तक वो नाकाम है मतलब बॉलीवुड में आने पर। तो फिर उसके बाद 1990 में एक फिल्म आया, एक डॉक्टर का मौत, जिसमें उनको एक छोटा सा रोल मिला। और तब मतलब बॉलीवुड में मतलब उनका पहला फिल्म था जो कि छली, इतना भी ज्यादा नहीं धमाल नहीं मचाई, लेकिन छली मतलब। और क्या कहते हैं कि बाद में वो एक डॉक्टर का मौत, और उसी साल उन्होंने एक और फिल्म किया, सच अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन उतना उनको फेम नहीं मिला। और जो भी हो उनका बहुत सारा कई सारे फिल्में उन्होंने की, जो जैसे कि हम देख सकते हैं पिता, पुरुष, द क्लाउड डोर, कह सकते हैं द गोल एंड द बरादिन, ऐसे बहुत सारे फिल्में जो मैं नाम नहीं लूंगा। तो फिर इन फिल्मों में दर्शकों ने उतना नोटिस नहीं किया, लोगों ने उतना नोटिस नहीं किया, और इरफान खान को वो मुकाम अब तक हासिल नहीं हुआ था जो वो चाहते थे और जिस मुकाम पर उनका अपना हक था। तो फिर उनका अच्छा टाइम यानी कि गुड टाइम शुरू हुआ 2001 से, जब उनको द वॉरियर नाम की फिल्म में उनको काम करने का मौका मिला। और खास बात यही है कि इस फिल्म को 2001 के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। और इरफान खान के मतलब इस फिल्म में इरफान खान के एक्टिंग को मतलब लोगों ने बहुत अप्रिशिएशन किया, और उसी रातों रात वो करोड़ों के दिल में छा गए। उसके बाद वो उन्होंने एक और फिल्म किया 2003 में, विलियम शेक्सपियर के किताब मैकबेथ,
मैकबेथ के आधार पर मकबूल नाम का एक फिल्म हुआ था, लेकिन वो फिल्म उतना धमाल नहीं मचा पाया जितना वो इरफान चाहते थे। लेकिन इरफान का जो प्रतिभा था, इरफान का जो एक्टिंग का प्रतिभा था, वो सब सबके दिलों में जा गया, वो सबको पता चल गया। और 2004 को जब उनका एक और फिल्म आया था जिनका नाम हासिल था, और उस फिल्म पर उन्होंने एज ए नेगेटिव रोल निभाया, और नेगेटिव रोल का डेब्यू फिल्म बना वो। और उसी उसी फिल्म के लिए उन्हें अपना फिल्मी करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट नेगेटिव एक्टर उनको मिला। और ये अवार्ड उनके लिए बहुत खास था क्योंकि उनका फिल्मी करियर का वो पहला फिल्म फेयर अवार्ड था। और आखिरकार 2005 को रोग फिल्म आया था जिसमें इरफान खान जी को लीड एक्टर में देखा गया, लीडिंग रोल निभाते हुए देखा था देखा देखा गया। तो फिर अब तक इरफान खान जी ने नई नई बुलंदियों को छुआ था। नए उनका करियर करियर बढ़ता गया, सक्सेस ही सक्सेस। और 2007 में एक और अचीवमेंट उनका 2007 में जुड़ गया जब उनको मेट्रो फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल मिला। और उसी फिल्म उन्होंने दो हॉलीवुड मूवी फिल्में की, जो वो था अ माइटी हार्ट, और एक था वो क्या कहते हैं द दार्जिलिंग लिमिटेड। और इससे हम पता लगा सकते हैं कि बॉलीवुड का हीरो अब हॉलीवुड तक पहुंच गया था। और इससे आगे उन्होंने एसिड फैक्ट्री, न्यूयॉर्क, पान सिंह तोमर, सात खून माफ, और पीकू, हैदर, मेट्रो, द स्पाइडर मैन लाइक हिम, एंड व्हाट वी से, एंड जुरासिक वर्ल्ड, जो 4 अप्रैल को सोनी मैक्स में टेलीकास्ट किया गया था। और अगर हम बात करेंगे उनके रिसेंट रिलीज हुई मूवीज के बारे में, तो फिर 2017 को हिंदी मीडियम और करीब करीब सिंगल नाम के दो फिल्में आए थे। और फिर हिंदी मीडियम के लिए उनको फिर एक बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। और 13 मार्च को क्या कहते हैं 13 मार्च 2020 को जो क्या कहते हैं जो एक अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुआ था 13 मार्च को। और एक खास बात यह है कि पान सिंह तोमर, सात खून माफ और द लाइफ ऑफ पाई, जो मैंने फिल्मों के नाम लिया उसमें मैंने नहीं बताया क्योंकि मैंने इस फिल्म को या बोलने के लिए मैंने ठहराया था। तो मैं आपको बोल देता हूँ कि पान सिंह तोमर, सात खून माफ और लाइफ ऑफ पाई, ये तीन तीन फिल्में उनके लिए उनके जीवन के लिए बहुत यादगार फिल्में हैं। और पान सिंह तोमर जो फिल्म था उस फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। खैर जो भी हो, हमने दो बहुत दिग्गज अभिनेताओं को खोया है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इरफान खान का जो मृत्यु हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि वो कैंसर से पीड़ित था, और वो कैंसर से लड़ते लड़ते वो हमको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। और क्या हुआ कुछ यूं कि उनको कोकिलाबेन अस्पताल में उनको एडमिट किया गया, और वहीं पे उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली सिर्फ 53 साल की उम्र में। और इस दुनिया को, अपने करोड़ों फैंस को, भारतीयों को अलविदा कह दिया। तो अंत में मैं यही बताना चाहूंगा कि हमने बॉलीवुड हो या भारत, तो नहीं विश्व का दो ऐसे हीरे खोए जिनको अभी आई आई डू नॉट थिंक दैट समवन कैन बीट देम, बिकॉज ऋषि कपूर एक ही है, इरफान खान एक ही है, तो फिर कोई भी उनको बीट नहीं कर सकता। तो फिर मैं उन दोनों शख्सियत को दिल से नमन करता हूँ, दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ, और आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। धन्यवाद।